मेरा नाम शिवानी वर्मा है, जो वेस्ट बंगाल में मॉम बहुत ही गलत हुआ, हम उनके साथ में खड़े हैं ताकि डॉक्टर्स को न्याय मिल सके। आप कल्प्रिट को प्लीज इसमें पकड़वाने की और गवर्नमेंट को एक्शन लेने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स की कोई भी सुरक्षा नहीं है। यूपी में क्या सरकार से मांगे आप? यूपी में हम सेफ्टी चाहते हैं जी। जो भी डॉक्टर्स के खिलाफ हो रहा है, आए दिन उन पर अत्याचार होते हैं। अभी जस्ट आप सब देख रहे हैं कि रेप केस हो गया और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो हम बस उनके साथ खड़े हो रहे हैं ताकि डॉक्टर्स की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। लड़कियों को सिर्फ बंद करके ना रखा जाए कि उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें बंद किया जा रहा है, उन्हें आज़ादी मिले कि वो रात में भी खुले बेखौफ होकर बाहर निकल सकें, उन्हें लड़कों का खौफ ना रहे कि कल को उनके साथ कोई भी लड़का कुछ भी कर सकता है, उन्हें इस चीज़ की आज़ादी मिले। हमारी मांगी यही है कि डॉक्टरों की सेफ्टी की जब बात आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। इतना बड़ा कांड हो गया वेस्ट बंगाल में, वहाँ की सरकार सोती रही, उसके बाद में जब डॉक्टर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर गुंडे हमले कर रहे हैं, कोई सेफ्टी की बात नहीं हो रही है। सरकार को चाहिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि डॉक्टर जो 24 घंटे से ज़्यादा ही सेवाएं देते हैं उनकी सेफ्टी की बात कोई नहीं करता। इसीलिए हम लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम सब पूरी तरीके से कोलकाता की घटना के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं थी और अभी हम जैसे कि पहुंचे हैं यहाँ पे तो देख रहे हैं डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है और मैंने पर्चा भी बनवा रखा है और इस चीज की हमें कोई जानकारी नहीं थी। दवाई मिली है? कुछ नहीं हमें मिला। क्या बता कह रहे हैं यहाँ पे हड़ताल कर रखी डॉक्टरों ने, हमें तभी यही जानकारी मिल पा रही है। जैसे कि बता रहे हैं सभी लोग हड़ताल कर रखी है। क्या नाम है? अभिषेक तिवारी हमारा नाम है। अस्पताल आए थे अपने स्थान दिखाने, ठीक है, तो जब हम लाइन में लगे और आगे जाके देखा तो यहाँ डॉक्टर ही नहीं बैठे और ना कोई नोटिफिकेशन उन्होंने लगवाए ना कुछ, और पर्चे पर्चे अभी भी कट रहे हैं। क्या बताया? बताया कि हड़ताल कर रखी है डॉक्टरों ने। क्या नाम है आपका? ओम सिंह। अस्पताल आए थे भाई का एक्सीडेंट हो गया, दिखाने आए, आज हड़ताल है बता रहे, तो पौन घंटा एक घंटा हो गया लगभग खड़े हुए, अब फिर बात की जा रहे क्या करें, मजबूरी है। कहाँ रहने वाले? हरदोई गावन सिंह जी। मेरा नाम मनोज है, मेरा भाई का नाम है दीनू।